नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योति श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के विषय में। चाहे लड़के का कुंभ राशि हो, चाहे लड़की का कुंभ राशि हो, चाहे जातक किसी का यदि कुंभ राशि है तो आज हम इस वीडियो में बताने चाहें किनका भी कुंभ राशि उनका किस वर्ष में विवाह होगा, किस महीने में विवाह होगा और किस दिशा में विवाह होगा, संपूर्ण जानकारी आज हम आप सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। मित्रों देखा जाए तो कुंभ राशि जो है इनके स्वामी शनि ग्रह हैं और शनि के जो इष्ट देवता हैं श्री हनुमान जी हैं और शिव जी हैं। कुंभ राशि देखिए ये वायु तत्व राशि है और ये चर राशि में आता है। आज मैं कुछ अक्षरों का आपके नाम प्रस्तुत कर रहा हूं। इन अक्षरों से किसी का नाम प्रारंभ होता हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो समझे उनका कुंभ राशि से गु गे गो सा सी सु से सो दा, इन अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता हो तो आप समझिए कि आपकी राशि कुंभ राशि है। तो आज हम बताने चला हूँ किसी का भी जातक जातिका यदि कुंभ राशि होगा तो उनका विवाह किस वर्ष में होगा, किस महीने में होगा और किस दिशा में होगा, संपूर्ण जानकारी आज हम आप सामने प्रस्तुत करने चले। प्रेमित्रों एक निवेदन है, यदि आप अपने चैनल पर नए जुड़े हुए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं, आज का जो मुख्य विषय है कुंभ राशि वालों का, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उनका विवाह किस वर्ष में होगा, किस महीने में होगा और किस दिशा में होगा। तो मैं यहाँ वर्णन किया हूँ, देखिए कुंभ राशि वालों का विवाह का जो वर्ष बताया गया है ये 21 वर्ष से प्रारंभ होता है विवाह का योग, 25 से 30 वर्ष तक विवाह अवश्य हो जाता है जिनका भी कुंभ राशि हो। 21 वर्ष से प्रारंभ होता है और 25-30 वर्ष तक इनका विवाह हो जाता है। अब महीना कौन सा रहता है कुंभ राशि वालों का, मई अक्टूबर नवंबर इन महीनों में विवाह के प्रबल योग बनते हैं जिनका भी कुंभ राशि होगा। इनका ये 3 महीना बताया गया है, मई अक्टूबर नवंबर इन महीनों में विवाह के प्रबल योग बनते हैं। प्रिय मित्र आगे बढ़ते हैं, अब हमें यहाँ बता रहे हैं दिशा, क्योंकि देखिए कुंभ राशि जो है इनके स्वामी शनि ग्रह हैं और शनि ग्रह का जो दिशा बताया गया है वो पश्चिम दिशा बताया गया है। जिनका भी जातक जातिका कुंभ राशि होगा उनका विवाह जो है पश्चिम दिशा में अवश्य होगा। प्रिय मित्रों अब मैं कुछ आपको वर्णन बताने चल रहा हूँ कि ये जो मैं नियम बताया, यदि आपके कुंडली में इन वर्षों में इन महीनों में यानी इस दिशा में विवाह नहीं हो पा रहा है तो आप अपनी कुंडली देखें और कुंडली में सप्तम भाव का विवाह का विचार किया। सप्तम भाव कहाँ से आप वर्णन करने में दिया, मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए लग्न चार्ट यहाँ बना हुआ है तो लग्न चार्ट में देखिए ये प्रथम स्थान है, या एक से लेकर 12 तक कोई भी अंक को प्रथम स्थान यही कहा जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये 12 स्थान है। तो 12 स्थान जो सप्तम भाव स्थान, यहाँ से विवाह का विचार किया जाए, चाहे वो लड़के की कुंडली हो चाहे वो लड़की की कुंडली हो। अब देखना यह है कुंभ राशि के स्वामी हो गए शनि, तो आप पहले अपने कुंडली में ये देखें कि कहीं सप्तम भाव में शनि तो नहीं बैठा है। यदि सिर्फ शनि यहाँ बैठ भी जाए तो भी विवाह में कठिनाइयां बढ़ा देता है। दूसरा चीज क्या देखना है कि सप्तम भाव में शनि वक्री होकर तो नहीं बैठा है। तीसरा चीज क्या देखना है कि सप्तम भाव में शनि की डिग्री 0 से 1 या 29 से 30 डिग्री तो नहीं है। चौथा चीज क्या देखना है कि सप्तम भाव जो शनि है ये अक्षय मार्केश तो नहीं है, मारक तो नहीं है। अगर ऐसा युग बनता होगा तो चाहे वो लड़के की कुंडली हो चाहे लड़की की कुंडली हो, शनि अपना असर दिखा देता है और विवाह में कठिनाइयां बढ़ा देता है। दूसरी चीज, सप्तम भाव में सिर्फ सूर्य बैठा हो या सिर्फ राहु बैठा हो या शनि बैठा हो या मंगल बैठा हो तो भी ये कठिनाइयां विवाह में बढ़ा देते हैं। प्रिय मित्रों अगर ऐसा योग बनता होगा तो ये विवाह में कठिनाई बढ़ेगा, तो इसका निवारण आप जरूर कराएं, उसके बाद विवाह का प्रबल योग बन जाएगा। लेकिन सप्तम भाव आपका अच्छा हो और ऐसा योग न बनता हो तो ये जो मैं नियम बताया इन वर्ष में इन महीना में इस दिशा में विवाह आपका अवश्य होगा। प्रिय मित्रों देखा जाए तो कुंभ राशि का जो शनि है, शनि के इष्ट देवता कौन है, श्री हनुमान जी हैं और शिव जी हैं। यदि किसी कुंडली में शनि गड़बड़ हो या शनि का डिग्री कमजोर हो, 0 से 29 से 30 डिग्री हो, या शनि अतिशय मारक हो या 7.5 शनि का चलता हो, अब वो करना क्या है, आप हनुमान जी का व्रत धारण करें
और शिव जी की आप पूजा करें, इससे बहुत ही लाभकारी होगा। और किसी के कुंडली में विवाह कठिनाइयां बढ़ गई हो, नौकरी व्यवसाय धंधा में प्रॉब्लम बढ़ गया हो, तो शनि का मैं यहाँ मंत्र का वर्णन किया हूँ, इस मंत्र का आप जाप अवश्य करें। मंत्र कौन सा है शनि का? ओम प्रांग प्रीं प्रौं सह शनये नमः। ये मंत्र कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो और थोड़ा सरल मंत्र है, ओम संग शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का आप जाप करें। शनि का जब संख्या है 23,000 मंत्र जब संख्या है, इस मंत्र का जाप आप अवश्य करें। यदि आपका शनि गड़बड़ होगा या डिग्री कमजोर होगा या शनि से मारक होगा तो भी आपका ये सब दोष दूर होगा, इस मंत्र का जाप अवश्य करें। प्रिय मित्रों, देखा जाए तो शनि को जो मैंने बताया, अगर किसी के ऊपर शायद शादी चलता हो या और अच्छे गड़बड़ शनि हो या शनि मार्केश हो या डिग्री कम हो, तब तो करना क्या है, शनिवार के दिन थोड़ा सा आप काला तिल लें और थोड़ा सा काला उड़द मिले तो और अच्छा है, नहीं तो हरा भी चलेगा। दोनों चीज़ आपको क्लॉक वाइज 7 बार घुमाना है, और काला तिल और उड़द जो है जाकर के कहीं शिव जी का मंदिर हो वहाँ ओम नमः शिवाय करके उस चीज़ को शिवलिंग ऊपर अर्पण कर दें, और प्रार्थना करें प्रभु मेरे ऊपर कोई शनि का बाधा हो या साढ़े साथी हो या कोई भी दिक्कत हो तो वो सब दूर करें। और दूसरा चीज, शनिवार के दिन आप नियम बना लें, 7 शनिवार तक कम से कम आप मदार का पत्ता लें और तेल हनुमान जी को अर्पण करें या शनि भगवान मंदिर हो तो वहाँ अर्पण करें, इससे भी शनि का दोष का निवारण होता है। यदि किसी का कुंभ राशि हो तो उनका जो रत्न बताया गया है नीलम रत्न बताया गया है तो आप वो रत्न धारण कर सकते हैं, पर किसी से सलाह लेकर के तो ही धारण करें, अन्यथा धारण नहीं करना है। प्रेम तो आज हमने इस वीडियो में बताया, किसी का कुंभ राशि हो तो उनको जो है किस वर्ष उनका विवाह होगा, किस दिशा में होगा और किस महीने में होगा, यदि शनि किसी की गड़बड़ हो तो क्या उपाय करें। प्रेम तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। नमस्कार।